खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं हमें निशाना बनाया जा रहा है। कभी सीबीआई के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 घंटे के नोटिस पर किसी को बुलाया जाए जवाब देने के लिए, जानबूझकर राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई जो पी चिदम्बरम के खिलाफ की जा रही है, ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर अब कपिल सिब्बल का बयान भी सामने आया है। गिरफ्तारी पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठा दिए। कपिल सिब्बल भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठ वकील भी है और चिदम्बरम का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो बड़े वकीलों की टीम थी उसका हिस्सा भी कपिल सिब्बल रहे। क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल, जरा ये सुनिए। बड़े दुख की बात है कि एक नागरिक चाहता है कि उसका अगर कोई हक है कानून के द्वारा कि वो अपील करे, वो उसका हक है, और अगर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी और 2 दिन बाद लगाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में अगर वो गिरफ्तारी में चले जाएं तो इसका मतलब कि पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई, और उसका मायना ये है कि एक नागरिक को सुनवाई का जो हक है वो नहीं मिला। और कहा हमें ये गया कि वो चीफ जस्टिस साहब करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हैंडबुक के द्वारा अगर चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिजी हैं तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज को हम याचिका डालकर और आग्रह कर सकते हैं आप प्लीज इनकी सुनवाई कीजिए। और ऐसा ही हुआ जब परसों शाम को हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप सीनियर मोस्ट जज से कल सुबह मेंशन कर देना। सारी रात चिदम्बरम साहब और सभी वकील लगे रहे, याचिका तैयार की, तैयार करके हमने डाल दी, सुबह डाल दी, डायरी नंबर भी ले दिया, मेंशन भी कर दिया, और जज साहब ने कहा, उस बेंच ने हमें कहा कि वो हम ये फाइल चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर है उसमें लिखित भी नहीं है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज थे, वो बेंच कोई भी ऑर्डर कर सकता था कि इसकी सुनवाई हो जाए आज, हम तो यही चाहते थे ना।